आप बेस्ट होंगे। देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 का। और आइडेंटिटीज से डरना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, डरना नहीं है, बहुत ही आसान है और ट्रिगो से इजी तो कुछ है नहीं। देखो तो आइडेंटिटीज को आप डिफाइन कर चुके हैं क्या, कि ऐसा अनकंडीशनल इक्वेशन जो कि वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सही होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आप पढ़े हो, कन्वर्जन में वो जो वीडियो था पिछला उसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कन्वर्जन, उसके बारे में आइडेंटिटीज का उसमें चर्चा है, फिर भी आइडेंटिटी है तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखो मेन तीन आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। देखो इससे कितने फॉर्मूला, चार निकलते हैं, समझ रहे हैं, चार निकाल लेना आप, साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, उसी तरह आप निकालोगे साइन थीटा तो ये अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ओके। फिर आप निकालोगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इससे आप फाइंड करोगे कॉस थीटा तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेन तो यही आइडेंटिटी है, इससे आपने ये चार निकाला, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसी तरह से एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो आपके पास एक ही है, ठीक। फर्स्ट है ये, सेकेंड आइडेंटिटी आपने उसको भी पढ़ा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन, इससे भी चार निकलेंगे, देख लो, और चार आएंगे सेक स्क्वायर फिर टेन स्क्वायर फिर सेक और टेन, मेन तो यही फॉर्मूला है। और थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन, ठीक है, इससे भी चार निकलेगा, देख लो जिस तरह से जैसे आप फाइंड किए। तो मेन आपका तीन आइडेंटिटी वन टू एंड थ्री, ठीक, और इससे जो निकल रहे हैं सप्लीमेंट्री फॉर्मूला इसके, उसके बाद एक सब आइडेंटिटी आप कह सकते हो जो खूब यूज होगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये आएगा कॉट थीटा, समझ रहे हैं। देखो तो मेन इसी का यूज होगा, और जगह जगह पे आप जो पहले से पढ़े हो टी रेशियोज का छह फॉर्मूला, साइन कॉस टेन कॉट सारे का, तो उन सब का यूज होगा, जैसे साइन इक्वल टू वन बाई कोसे, कोसे के जगह पर वन बाई साइन जरूर पढ़ने पर हम लिख सकते हैं, टेन का वैल्यू वन बाई कोट या कोट का वैल्यू वन बाई टेन, इस तरह से टी रेशियो से जो मेन सिक्स फॉर्मूलाज है, और सिक्स फॉर्मूले का इसी का यूज करना है। और सबसे खास बात देखो, आइडेंटिटी तो यूज होगा ही होगा, आइडेंटिटी के साथ साथ क्या करना है, याद रखना कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, मेन आपने पढ़ा हुआ है कि मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तीन ही है और बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल है, उसमें भी साइन थीटा और कॉस थीटा को सबसे सिंपलेस्ट माना गया है, क्योंकि स्टार्टिंग का है, ट्रिगोनोमेट्रिक फैमिली में इसका पोजीशन शुरू में आता है, इसलिए इसको ज्यादा वेटेज देना ही है, इसको वेटेज दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा या कम आएगा। देखो तो जहां भी जैसे टेन है तो आप जरूरत पड़ने पर साइन बाई कॉस लिख सकते हो, कॉट के जगह पर आप कॉस बाई साइन लिख सकते हो, और जैसे मान लो आपका इस तरह का क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस वन, तो इसमें भी अगर समझ में नहीं आए कि करना क्या है
तो इसमें भी आप साइन टेन को साइन बाई कॉस में और इसको कॉट को भी साइन कॉस कॉस बाई साइन में आप कन्वर्ट कर देना, और कन्वर्ट करने के बाद उसका यूज करना है। तो देखो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बहुत कम फॉर्मूला है, ये सब तो एक से दूसरा निकल गया, ड्राइव करना आपको आता है, आप टेंथ क्लास के स्टूडेंट हो ऑलरेडी, आपको मालूम है। देखो कितना फॉर्मूला यूज होगा, मात्र टी रेशियो का 6, आइडेंटिटी का 3 और ये 2, समझ गए कितना हुआ 11 फॉर्मूला पर पूरा का पूरा ट्रिगो सेट। ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम कि जहां पर आइडेंटिटी का यूज होने वाला है इसको आप जरूर करें, कुछ खास बात है ध्यान रखें। अगर आइडेंटिटी का यूज नहीं हो, और साथ में जान लो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं, साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज हो सकता है, जैसे कहीं पर मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो वह ए प्लस बी के स्क्वायर पर ब्रेक करोगे उसको। उसके बाद जैसे देखो ये हो गया सेकेंड सबसे खास कि साइन थीटा और कॉस थीटा को साथ लेके चलना है, कहने का मतलब यह कि अगर टेन कॉट कॉस एक्स एक अगर ये सब वैल्यू दिया गया हो तो सारे को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और उसको सिंप्लीफाई करो। ओके, कभी कभी साधारण जनरल सिंप्लीफिकेशन पर भी क्वेश्चन बन जाता है, और कहोगे कि इसको कैसे हम याद रखें, तो याद रखने का तो चीज है नहीं, क्वेश्चन को देखना है, रीड करना है, समझ के बनाना है। तो आइडेंटिटी साइन कॉस को लेकर चलना है, सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना है, साथ में आइडेंटिटी होगा तो अलजेब्रिक भी होगा, और ध्यान रखना ज्यादातर केस में आप क्या करना है एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस के इक्वल आना है। एलएचएस को सोल्व करेंगे मींस लेफ्ट हैंड को करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि राइट हैंड साइड को भी आप सोल्व करके एलएचएस के इक्वल ला सकते हो। कभी कभी तीन टर्म दिया रहेगा मींस लेफ्ट हैंड है फिर एक मिडिल में रहेगा राइट हैंड रहेगा, तो उस केस में क्या करना है, मान लो इसके बीच में एक मिडिल वाला टर्म है तो आप ऐसा करना एलएचएस को भी इसके इक्वल और आरएचएस को भी इसके इक्वल, या एलएचएस और मिडिल हैंड साइड को दोनों को आप आरएचएस के इक्वल करो, उस केस में आप सही है। पिछले जो बात बताया 4-5 उसको आप याद रखना और उसका यूज करके एक्सरसाइज सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन लिखा मैंने एक्सरसाइज 13A का, फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड का 1 और फिफ्थ का फर्स्ट। देखो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लाना है, बहुत ही आसान है। आप लिखना एलएचएस, पहले एलएचएस जरूर लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, एलएचएस लिखना है। मैं बार बार बोलता हूं कि वेरीफाई करने में एलएचएस आरएचएस को एक साथ कभी नहीं लेकर चलना है। ओके, और यह साइन इक्वल का होगा इम्प्लाइज का नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो जो बोला कन्वर्जन में यानी कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं उस सारे पर आपका ओवर कमांड होना चाहिए, मीन्स की सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला जब याद रहेगा तो बड़े आराम से क्वेश्चन बनेंगे। देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है कि साइन इंटू कॉसिक क्या होगा 1, बस प्रूव हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसिक होगा 1 बाय साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इससे ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होके आंसर आ गया 1 जो आर एच एस में लाना था, लिखेंगे इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। देखो इसमें भी पहले लिखना है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस
वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, देखो आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, इसमें भी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, यहाँ पर रेसिप्रोकल का यूज हुआ है, तो इसी तरह से करना। फिर आ गया देखो रेसिप्रोकल में आ गया, इसका फॉर्मूला इतना होता है हमें मालूम होना चाहिए, फिर इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए वन बाई सेक स्क्वायर है तो वन बाई सेक कॉस होता है, आप इसको लिखोगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपका आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया। इसको लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर के बदले में आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा, कॉट स्क्वायर उसी तरह रहा और वन बाय साइन कोसेक होता है। अब देखिए कोसेक कॉट का रिलेशन है आइडेंटिटी नंबर थ्री कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वन होता है, यहाँ कॉट माइनस कोसेक है तो इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको पहले और इसको बाद में लिख दो, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और ये इधर गया तो ये आया कोट स्क्वायर थीटा, अब इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो सीधा आइडेंटिटी आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का वैल्यू वन होता है तो, और उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस और इसका वैल्यू वन, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देना सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन। देखो क्वेश्चन सेवन, सेवन का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, देखने में लग रहा है काफी बड़ा है, देख रहे हो सब जगह कैसे आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, रेसिप्रोकल वाले का यूज हो रहा है और साइन कॉस हेल्प कर रहा है, इसमें भी देखो सेक है साइन सेक टेन है, तो आप मैंने बोला कि आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन या देखना है कि क्या करना है, पहले क्वेश्चन को वॉच करना है, ये नहीं कि सीधे देख के साइन कॉस और सेक टेन सारे को साइन कॉस में बदल दिया, ऐसा भी नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। देखो अगर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आएगा सेक और यहाँ पर साइन है तो साइन इंटू सेक होगा और सेक का वैल्यू वन बाई कॉस होता है तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, यहाँ सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, बस क्वेश्चन बन गया। देखो कितना ही है, एलएचएस मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना एलएचएस में पूरा इतना वैल्यू लिखना है जो है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा सेक इंटू वन तो सेक थीटा, माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर लिखो आप सेक को या डायरेक्ट लिखो सेक थीटा इंटू साइन थीटा और इसको एज यूजुअल छोड़ दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। अब देखिए ये आया सेक थीटा माइनस ये साइन ऐसे ही रहने दो और सेक वन बाई कॉस होता है तो यहां पर आप कॉस थीटा लिखना, तो आया साइन रहा और सेक का वन बाई कॉस तो कॉस नीचे में आ रहा है, क्लोज कर दीजिए, फिर यहां लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। अब देखिए ये आया आपका सेक थीटा साइन बाई कॉस तो ये होगा टेन थीटा होगा और यहां पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया और इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है, सीधा लिखेंगे इक्वल टू वन इक्वल टू आर एच एस कॉमा
रूट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है 1 + 10² × cot / cos6। सारे को लाना है 10। LHS मैं लिखने से छोड़ दे रहा हूं, बच रहा हूं। देखो अगला स्टेप क्या होगा, तो 1 + 10² के बदले में आप क्या लिखोगे, sec² θ × cot θ / cosec² θ। बन गया। कैसे, देखो sec 1/cos, ये cos by sin और ये 1/sin। sec के बदले में आप लिखो 1 / cos²θ × cot के बदले में आप लिखो cos θ / sin θ। इन दोनों का वैल्यू हुआ होल के बाय अपॉन cosec, ये आएगा 1/sin, तो 1/sin²θ, क्योंकि ये स्क्वायर इसी तरह रहेगा। चाहे आप इसको यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो, इसको अभी नहीं टच करना, कॉस के स्क्वायर से कॉस कट जाएगा। जनरल हम लोग पावर में काटते हैं, ऐसा काटना नहीं है। आप इसको लिखो, या तो डायरेक्ट लिख दो यहां पर 1/sin और यहां पर 1/cos, समझ में आएगा कि एक कॉस एक कॉस कट गया। लेकिन कॉस से पावर नहीं कटना है, अगर काटना है तो कॉस स्क्वायर को आप दो बार लिखना, cos × cos, तब कॉस से कॉस कटेगा, पावर से डायरेक्ट वैल्यू को नहीं काटना है। ओके, अब देखो तो ये कितना आया, ये आया 1/cos, 1/cos θ × ये आया 1/sin θ। ओके, और देखिए 1/sin² है, तो साइन स्क्वायर देखो क्या है, 1/2/3/4। तो जब भी ऐसा होगा, देखो अगर a/b/c/d बीच का यह लाइन है, तो इसके बदले में आप क्या लिखते हो, a/b × d सबसे ऊपर जाएगा, d/c, यानी बीच वाला दोनों नीचा रहेगा और ये तो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, याद रखना। तो देखो इतना आया और ये सबसे ऊपर जाएगा sin², तो यहां पर लिखोगे क्या, sin²θ। और फिर देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा, आपके पास बचा न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, sin θ, और डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारा cos θ। अब देखो sin/cos क्या होता है, tan θ। ओके, =RHS, समझ गए आप। तो इस तरह से खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप अनडाउटली पूछो और आराम आराम से बनाओ, 5-10 क्वेश्चन एवरीडे, सब बात समझ में आपको आएगा, और जो प्रॉब्लम होगा मैं हूं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।